लेकिन आप कहेंगे हमें तो ऐसा लगता है कि जो पाप करते हैं वो तो सुखी है, पुण्य करने वाले तो सारे दुखी हैं, हम क्या करें, कहां जाएं। देखिए भाई, जो पाप करने वाले आज आपको सुखी लग रहे हैं इसका कारण पाप नहीं है, उन्होंने गत जन्म में पुण्य किए थे, उस पुण्य के कारण उनका बैंक बैलेंस है और आपके पास अभी बैंक बैलेंस नहीं है। जिसका बैंक बैलेंस होगा, मान लो मेरा मैनेजर से झगड़ा है और आपका मैनेजर मित्र है, लेकिन आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और मेरे अकाउंट में लाख रुपए पड़े हैं। अब आपके अकाउंट में पैसा है नहीं और आप 5 रुपए का चेक लिखेंगे और मैनेजर आपका मित्र है तो क्या पास करेगा? नहीं करेगा। और मैनेजर मेरा दुश्मन है लेकिन मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए है तो उसको 1,00,000 रुपए का चेक क्लियर करना पड़ेगा। भले मैनेजर दुश्मन हो, मेरा बैलेंस है। वैसे आपका पुण्य का बैलेंस होना चाहिए, तभी आपको वो फल मिल सकता है। किए हुए कर्म का फल है और है। अहमदाबाद में, अहमदाबाद की घटना है महाराज जी, बात ऐसी हुई गायकवाड़ की सरकार थी बड़ौदा में, और गायकवाड़ की सरकार मेहसाणा तक थी और गायकवाड़ का राज्य बड़ा था और उस समय भी कोर्ट चलती थी। तो अहमदाबाद में एक नागर करके जज थे और वो जो नागर करके जज थे जिस कोर्ट में वो थे, अब उस समय अहमदाबाद अभी जो डेवलप है उतना डेवलप नहीं था, आज से 70-80 साल पहले की बात है, और उस वक्त नदी के बाहर का तो विस्तार था ही नहीं ऐसा समझो। वो सुबह शौच क्रिया करने के लिए एक लोटा लेकर बाहर गए। अब वो शौच के लिए गए और सुबह का समय था, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, और वैसे ही समय एक आदमी आगे भाग रहा था और दूसरा आदमी पीछे भाग रहा था और उसके हाथ में खुला हुआ नंगा चाकू था और वो चाकू लेके आया और उस आदमी को मार, वो मर गया वहां पर। अब जज साहब, नागर साहब वहां बैठे थे एक पेड़ के पीछे शौच के लिए, उन्होंने अपनी आंखों से उस मर्डर को देखा, मौत किसकी हुई है वो भी देखा और मारने वाले को भी देखा, और उतने में ही सूर्य उदय होने वाला था। अब सूर्य उदय हुआ, उन्होंने दोनों के चेहरे तो नाप लिए, अब वो चले गए। बात ऐसी हुई कि पुलिस आई वहां पर, पुलिस ने पोस्टमार्टम वगैरह करवाया, पंचनामा किया, जो भी करना था वो किया। अब उन्हीं की कोर्ट में, नागर साहब की कोर्ट में ये केस चलने के लिए आया, और जब केस चलने के लिए वहां पर आया, अब दोनों पक्षों ने दलील की। अब पुलिस ने क्या किया कि किसी एक व्यक्ति को इस मर्डर के लिए पकड़ लिया और उसके विरुद्ध में पूरे के पूरे केस की डायरी और पेपर्स तैयार कर दिए, और उसने ही ये मर्डर किया है इसके साक्षी तैयार कर दिए। अब साक्षी आ गए, अब जब नागर साहब के सामने, मतलब जज साहब के सामने जब उनको लाया गया और देखा उन जज साहब ने, उन्होंने कहा इस आदमी ने तो खून नहीं किया है, क्योंकि खून तो मैंने अपनी नजरों से देखा है, ये आदमी था ही नहीं। अब देखते हैं क्या होता। अब केस चला 1 महीना 2 महीना 4 महीना, अब सरकारी वकील और पुलिस ने मिलकर इस व्यक्ति के आरोप सिद्ध कर दिए, साबित कर दिया कि खून इसी व्यक्ति ने किया है। अब जज ये तो नहीं कह सकता कि मैंने देखा था, अब जब उसके विरुद्ध में सारे के सारे एविडेंस है तो उनको सजा करनी ही पड़ेगी। अब वो विवश थे, लेकिन उनको वो गीता के अभ्यासु थे, भगवत गीता के, और भगवत गीता में उनका पूरा विश्वास था। अब उन्होंने पढ़ रखा था कि भगवान कर्म की फल देता है, इसने जो कर्म नहीं किया है उसका फल क्यों मिलेगा उसे। अब उनको फांसी की सजा देनी थी लेकिन वो लिख नहीं सकते, उन्होंने कहा यह फैसला कल दिया जाएगा, और उन्होंने पुलिस से कहा कि ये जो आरोपी है जिसने मर्डर किया है, आपने जिसको पकड़कर यहां रखा है, उसको मेरे चैंबर में भेजो। उनको चैंबर में मिलने के लिए बुलाया, और मिलने के लिए बुलाने के बाद, ये सत्य घटना है, ये कोई स्टोरी नहीं है, और उनको बुलाने के बाद उन्होंने कहा, वो रोने लगा, उसने कहा जज साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने खून नहीं किया है, ये मेरे ऊपर गलत आरोप है, मुझे बरी कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, राहत दे दीजिए। जज साहब ने कहा अभी फैसला बाकी है, आपसे रोते क्यों, मैंने तो अभी फैसला लिखा नहीं है, दिया नहीं है। बोले लेकिन जिस प्रकार से केस चला है मुझे पूरा पता है कि मेरे विरुद्ध में गया है सब कुछ, तो क्या किया जाए, वो तो करेंगे, वो छोड़ो, मुझे ये जानना है कि ये मर्डर तुमने नहीं किया है और वो मुझे पता है तुमने नहीं किया है। बोले आपको पता है? बोले हाँ मैंने देखा है, तुमने नहीं किया है। अब अगर पुलिस सच्चे आदमी को पकड़ लाती है तो मैं देख सकता हूं, मुझे पता है कि है, मुझे उसका नाम वाम पता नहीं है, लेकिन पुलिस अगर उसको पकड़ लाए तो मैं ये जान सकता हूं ये इसने किया है। खैर वो बात छोड़ दे, मुझे तो ये जानना है कि तुमने अगर ये मर्डर नहीं किया है, इस आदमी को नहीं मारा है, तो तुम्हारे विरुद्ध ये केस क्यों चला और तुमको सजा क्यों होगी। और दूसरी बात,
तुम पहली बात ये सोच लो कि तुमको फांसी होने वाली है, तुम मरने वाले हो, तुम दो ही दिन के मेहमान हो, तुम्हारी फांसी तय हो चुकी है, मैं उससे तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे तो एक ही बात क्लियर करनी है कि भगवान गलत फैसला मुझसे क्यों करवा रहा है, और मुझे यह जानना, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है। तो मरते मरते झूठ मत बोलना, जो सत्य हो मुझे बता दो। बोले क्या जानना चाहते हैं साहब, बताइए। अब मेरा मरना अगर तय है तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा। बोले एक बात बताओ, तुमने इसका मर्डर नहीं किया, लेकिन इसके अलावा आज तक तुमने किसी और का मर्डर किया? और उस व्यक्ति ने कहा, आज से 5 साल पहले मैंने 2 लोगों को मार डाला था, लेकिन पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकी और मैं निकल गया था। जज साहब ने कहा, फिर अब जाओ, तुमने जो वो उस टाइम कर्म किया था उसका फल तुम्हें आज मिलने वाला है। और उनका भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ हो गई और उन्होंने फैसला लिख दिया मौत की सजा। कहने का मतलब है, कर्म आपका पीछा करता है, कर्म कभी छोड़ता नहीं, और वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, सबका फल आपको भुगतना ही है। आप अगर पुण्य का कर्म करते हो तो भी और पाप कर्म करते हो तो भी, सबके फल आपको भुगतने के लिए तैयार रहना है।